मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भले ही खुद को बच्चियों का मामा कहें, लेकिन उनके राज्य में भांजियां भी सुरक्षित नहीं है। हरदा में एक युवक ने नाबालिग का अपहरण कर लिया, लेकिन पुलिस इस मामले में कार्रवाई तक नहीं कर रही है। हरदा के श्यामा नगर में 24 वर्षीय बालिका का 16 दिन पहले अपहरण हो गया था। बालिका के परिवार वालों ने धरना प्रदर्शन तक किया, लेकिन पुलिस बालिका की तलाश नहीं कर पाई। बालिका के घर से अगवा होने के बाद परिवार के लोगों ने सिटी थाना पहुंचकर शिकायत दर्ज करवाई और कहा कि पास में ही रहने वाले 28 वर्षीय पुरुष बहला फुसलाकर उसकी बेटी का अपहरण कर ले गया है। पीड़ित परिवार 15 दिन से थाना और एसपी कार्यालय के चक्कर लगा रहे हैं। मेरी बच्ची 15 दिन का गोल है, मेरे घर से गायब है, अभी तक कोई जानकारी नहीं है। थाना नगर 15 दिन हो गए सर, बोलते हैं हाँ कार्रवाई चल रही है, लेकिन कुछ कार्रवाई अभी तक था, उसकी भी नाम डाल दिया। बट हमने बालिका के परिजन एमपीबी कार्यालय के सामने धरने पर बैठ गए हैं। वहीं धरना प्रदर्शन को समर्थन देने किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक सारण व पार्टी के जिला अध्यक्ष आनंद जाट, कर्णी सेना जयस भीम आर्मी सहित दर्जनों संगठन के पदाधिकारी धरना स्थल पर पहुंचकर परिवार का साथ दे रहे हैं। इधर सिटी कोतवाली हरदा थाना प्रभारी एआर खान ने बताया कि हमारी 2 पुलिस टीम बालिका की तलाश में लगी हुई है। आज इनकी बेटी घूमी है, कल को मेरी भी घूम सकती है, कल को हरदा जिले के किसी भी निवासी की घूम सकती है। तो मैं हरदा जिले के सभी लोगों से भी प्रार्थना करूंगा कि यहाँ धरना स्थल पर आए, हम लोगों को समर्थन दें और ये बच्ची जो गुम गई है, इसके लिए पुलिस प्रशासन सक्रियता दिखाए अच्छे से, तो इसके लिए जो है सभी आप हमारा साथ दें। जी, यहाँ पे एक हमारे कमल भाई हैं, उनकी 14 साल की बालिका का अपहरण हो गया है और विगत 15 दिन हो चुके हैं, कहीं से कहीं तक प्रशासन का कोई सपोर्ट नहीं है। ये प्रशासन के पास काफी बार जा चुके हैं पर वहाँ से भी संतुष्टि का जवाब नहीं मिल रहा है। और हरदा में पहले भी ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं कि बच्चियां, नाबालिग बच्चियां जिनका कोई पता नहीं है, इसके विरोध में हम बैठे हैं। ये घटनाएं कब तक चलती रहेंगी? उनका ही चिर परिचित स्वप्निल तोमर है जो उनके घर में आया जाया करता था, उनका नाम उन्होंने लिखाया है। इसके लिए हम श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं और उस मॉनिटरिंग के तहत टीम जो गठित की गई है, आरोपी के विरुद्ध उद्घोषणा भी जारी कराई जा चुकी है। अभी स्पष्ट उसका इस्तेमाल नहीं हुआ है, जो हतथ हमारे सामने आए हैं पुलिस लगातार प्रयास कर रही है और शीघ्र ही इसको निकाल लेंगे। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।